हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है BSSC की तरफ से 10+2 लेवल एंड वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। फ्रेंड्स, बिहार स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए ये वैकेंसीज आने वाली है, LDC, UDC, स्टेनोग्राफर एंड डेटा एंट्री एंड वेरियस पोस्ट के लिए। तो इसी के रिगार्डिंग आज आपको बताने वाली हूँ मैं। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप भी इस जॉब रिक्रूटमेंट को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट फॉर्म कब आएगी, कौन से डिपार्टमेंट में आपकी रिक्रूटमेंट होगी, सारा कुछ बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स कि ये वैकेंसी आपको 10 साल पहले यानी कि 2013 में ही लास्ट टाइम आई थी। तो लाखों बच्चे 10 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार हो चुका है अब खत्म। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कितने कितने पोस्ट पे वैकेंसी आई है, क्या सा पूरा डिटेल है, आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा आपको बताया है कि BSSC 10+2 लेवल एंड वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट आई है 2023 के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो 12,000 प्लस सीट्स के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। अब बात करते हैं एग्जाम कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसा कि आपको बताया BSSC यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आपको कराई जाएगी। जैसा कि हर स्टेट का ना अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि स्टेट बोर्ड के थ्रू आपको रिक्रूटमेंट कराई जाती है, तो बिहार के लिए BSSC होता है। किन किन पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। LDC, स्टेनोग्राफर, UDC, डेटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब सारे ऑफिशियल पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है। इसके अलावे और भी पोस्ट में रिक्रूटमेंट आई है जो कि बाद में आपको बताने वाली हूँ। पोस्ट वाइज अगर वैकेंसी की बात करूँ, पंचायत सचिव के लिए आपका 3532 पोस्ट रहेगा, राजस्व कर्मचारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए 3500 सीट्स रहेंगे, BPS 69वीं के तहत आपको 329 पोस्ट पे ये वैकेंसी रिक्रूट की गई है, विशेष चिकित्सक मतलब स्पेशल डॉक्टर्स के लिए 1318 सीट्स रहने वाली है। सो ये ओवरऑल आपको बताया, बट इसके अलावा भी फ्रेंड्स बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसी आएगी आपको बिहार स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, जिसको टोटल मिला के 12,000 प्लस सीट्स आपका रहने वाला है। आओ फ्रेंड्स फॉर्म की फी बता देती हूँ क्या रहने वाला है। जनरल BC, EBC, EWS एंड अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए 540 रुपीज लगने वाला है। वही SC, ST, PH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड फीमेल्स के लिए आपको 135 रुपीज लगने वाला है। एज लिमिट की अगर बात करूं, जनरल कैंडिडेट्स मेल के लिए मिनिमम एज 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 37 इयर्स रहने वाला है। जनरल कैंडिडेट्स फीमेल के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 40 इयर्स रहने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। BC एंड EBC को 3 इयर्स के लिए एंड SC ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि एज लिमिट आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ इट्स टाइम टू सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि फ्रेंड्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पोस्ट वाइज ना ये आपका डिफर करने वाला है। जनरली हर पोस्ट के लिए मतलब ज़्यादातर पोस्ट के लिए 12th पास आउट की आपको रहने वाली नीड, एंड उसके अलावा ग्रेजुएशन प्लस स्पेशल पोस्ट भी आती है, मतलब कोई कोई चीज़ का स्पेशल आपके पास डिग्री है उसके लिए भी वैकेंसी आएगी। रही बात फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस। यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल होगा आपका प्री एग्जाम, देन होगा आपका मेंस का पेपर, फिर होता है टाइपिंग टेस्ट। बहुत सारे पोस्ट के लिए फ्रेंड्स आपका टाइपिंग के जगह पे इंटरव्यू लिया जाता है। आओ फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न एक्सप्लेन कर दूं, मतलब पहले प्री का एग्जाम पैटर्न बताऊंगी फिर मेंस के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। प्री में आपको 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 600 मार्क्स के लिए 2 आवर्स का आपका पेपर रहता है, 2 आवर्स 15 मिनट का, सॉरी। निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 का रहेगा। आइए देखते हैं सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। मैथ एंड साइंस के ओवरऑल 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए रहेंगे। इतना तो समझ गए होंगे कि मैथ के 25 क्वेश्चन एंड साइंस के 25 क्वेश्चन मिला के 50 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के लिए।
इसके बाद आपका रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए रहेगा, जीके के आपको 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। सो ये ओवरऑल आपका हो गया प्री का एग्जाम पैटर्न। इसको क्वालिफाई करने के बाद होगा आपका मेंस का एग्जाम। तो आओ मैं मेंस का एग्जाम पैटर्न एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें ना फ्रेंड्स आपको दो पेपर होता है, पेपर वन एंड पेपर टू। निगेटिव मार्किंग भी होता है सेम टू सेम 1/4 का। पेपर वन में आपको हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होती है। 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के लिए 2 hours and 15 minutes का पेपर वन होता है। पेपर टू की बात करें तो 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के लिए 2 hours 15 minutes का ये भी पेपर होगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/4 का रहने वाला है। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैथ प्लस साइंस के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। सो ओवरऑल आपका मेंस का भी पेपर आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करोगे फ्रेंड्स तो इसके बाद होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद आपको आपके ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दी जाएगी। हाँ, तो इतना तो समझने वाली बात है कि ज्वाइन कहाँ करोगे। जॉब की लोकेशन बिहार में ही रहने वाली, क्योंकि बिहार स्टेट गवर्नमेंट की ये जॉब है। तो मैं आपको समझा देती हूँ किन किन डिपार्टमेंट्स के अंडर आपको वर्क करना पड़ सकता है। फर्स्ट डिपार्टमेंट होता है आपका श्रम संसाधन, मतलब कि लेबर डिपार्टमेंट रहेगा। खनन एवं भूतत्व, मंत्रिमंडल सचिवालय, नगर विकास सह आवास, स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्वविद्यालय, परिवहन, पंचायत सचिव, इन सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर, मतलब इतना समझ लीजिए कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभाग में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। रही बात सैलरी की, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 30,000 एंड लास्टली आपको ना 80,000 तक ये सैलरी मिलता है। मतलब कि जब आप इसमें जॉब करोगे तो पर ईयर अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है। बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारी सैलरी वगैरह तो क्लियर हो गई होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाला है, फॉर्म कब आएगा। बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि मैम आप अपने मन से बता देते हो, आपको आया नहीं है फॉर्म, आया नहीं, क्या अप्लाई करें, क्यों वीडियो बना रहे। वीडियो बनाने के पीछे का मोटो सिर्फ ये होता है फ्रेंड्स कि नोटिफिकेशन ना ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट कर दी जाती है ना गवर्नमेंट के थ्रू, तभी लोग वीडियो बनाते, ताकि आपको पता चल सके ये वैकेंसी आने वाली है और आप अभी से तैयारी करो। जब फॉर्म आ जाती है तो 1-2 महीने की तैयारी में तो आप जॉब क्रैक कर नहीं सकते हो। सो चलो मैं बता देती हूँ कि इसका डेट क्या रहने वाला है। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो आपका ये फॉर्म नवंबर 2023 टू दिसंबर 2023 तक ना ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, ऑलरेडी सितंबर आ चुका है। तो आप अपनी तैयारी की स्पीड को बूस्ट करो, अच्छी से अच्छी तैयारी रखो, ताकि जब फॉर्म आए आप अप्लाई करो, तैयारी रहेगी अच्छी तो एग्ज़ाम भी हो ही जाएगा 1-2 महीने के अंदर। तो सब कुछ सही हो जाना है, आपको आपका जॉब मिल जाएगा, अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी, रिस्पेक्ट मिल जाएगी। सो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने जो आपको डिटेल बताया है BSSC 10+2 लेवल एंड अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर समझने में फ्रेंड्स थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, मैं वहां पे आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज और भी ज्यादा कनेक्ट होना चाहते हो मुझसे तो मेरे टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जल्दी से जाके वहां पे भी फॉलो करो। और अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को जरूर भर भर के लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर आप और भी आने वाली गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी फिर से न्यू जॉब अपडेट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।